सो हेलो गाइज, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। करंट अफेयर फंडा में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ आप लोग के लिए कि जिनका जो नॉर्थन रेलवे डिपार्टमेंट है, जो नॉर्थन रेलवे जो रेलवे आता है उसमें जितने भी डिविजन्स आते हैं, तो आरआरबी दिल्ली ने अपने जो है ज्वाइनिंग लेटर के कब तक भेज सकेंगे, कब तक डिविजन अलॉटमेंट होगा, इनके बारे में इन्होंने अपना ऑफिशियल जवाब दे दिया है कि ठीक है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे दिल्ली वाले कि सर हमारा जो है ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन थे। तो जो है डीआरएम ऑफिशियल आरआरबी के ट्विटर वेबसाइट पर दिया जाएगा, तो आरआरबी का ऑफिशियल ट्विटर में वहाँ पर डीआरएम ने खुद से ही मतलब कमेंट कर दिया है कि आपको इस डेट से पहले, ठीक है, जितने भी दिल्ली का डिवीजन दिया गया है कैंडिडेट्स को, उनको 7 तारीख से आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजना चालू होगा। हो सकता है कि आपको 3-4 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना चालू हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू कर लेते। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब और शेयर करें, इससे रेलवे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। सुखे जैसा कि आप देख सकते हैं कि डीआरएम दिल्ली दिखा गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डीआरएम दिल्ली दिखा गया है। ठीक है, यहाँ कहा गया है द ऑफर लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 7 फरवरी 2020। जितने भी टेक्नीशियंस वाले कैंडिडेट्स हैं उनका ऑफर लेटर 7 तारीख से भेजा जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो डीआरएम दिल्ली का है। ठीक है, इन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो डिले हो रहा है, अभी तक नहीं भेजा जा रहा है, उसके लिए ये माफ़ी भी मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है गाइज यहाँ पर और मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए, कैंडिडेट्स अलॉटेड टू दिल्ली डिवीजन कैन डिवीजन कॉल लेटर विल बी सेंड फ्रॉम 7/2/2020। यहाँ भी मेंशन किया गया है। एक और चीज़ यहाँ पूछा गया था कि यहाँ देखिए, एक लड़के ने पूछा था कि सर मेरा कैटेगरी 57 है, जहाँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 ENU इलेक्ट्रिकल पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर कब तक आ सकता है। ठीक है, इनको भी दिल्ली डिवीजन दिया गया था, तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि आपकी जो ऑफर लेटर है, ठीक है, आपको जो ऑफर लेटर है वो जितने भी टेक्नीशियंस है उनको 7/2/2020 से ये लोग भेजना चालू करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 7 तारीख को ये लोग भेजते हैं, तो आपके पास अगर जो नियर दिल्ली में ही रहते हैं तो उनको तो गाइस 3-4 दिन में वापस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो दूर रहते हैं, जो दिल्ली के बाहर रहते हैं, उनको गाइस हो सकता है कि 1 हफ्ते या 10 दिन भी लग सकते हैं आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने में। अभी कुछ कंफ्यूजन होगा कि सर बाय ईमेल आएगा या बाय पोस्ट आएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है दिल्ली डिवीजन के ऊपर। जिस तरह अभी अजमेर बोर्ड ने आपको पहले ईमेल भी किया और बाय पोस्ट भी किया, ठीक है, दोनों काम किया, तो ये इन पर डिपेंड करता है कि ये आपको बाय ईमेल दे रहे हैं या बाय पोस्ट दे रहे हैं। ठीक है, दोनों दे सकते हैं या फिर सिर्फ बाय पोस्ट भी दे सकते हैं। ये जो है ये आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह जो है किस तरह आपको ज्वाइन लेटर भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको 7 तारीख से लेके आपका ऑफर लेटर आपको भेजना चालू हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे 7 तारीख के बाद, 3-4 दिन के बाद, वो अपने पता करते रहे अपने पोस्ट ऑफिस में कि अभी तक उनका आया है कि नहीं आया। ठीक है, सो गाइस, आरआरबी दिल्ली का जो कैंडिडेट्स है उनकी एक जानकारी थी। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कुछ हमसे जानकारी मिली हो आपको इस वीडियो से आपको, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ना भूलें, इससे रेलवे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज, हैव ए नाइस डे।